जब हम लोग क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सारी चीजें हम लोग उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी एनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है तो प्लेन टेक्स्ट से किस में कन्वर्ट किया जाता है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे जब साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो कुछ टूल्स वहां पे यूज होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग साइफर्स बोलते हैं, ठीक है। देखो, वी इक्वेटेड क्रिप्टोग्राफी विद ए टूल किट वेयर वेरियस क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स आर कंसिडर्ड एज ए बेसिक टूल्स। वन ऑफ दीज टूल्स इज द सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन वेयर द की यूज फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज द सेम, ठीक है। जो भी हम लोग वहाँ टूल यूज कर रहे हैं, टूल क्या है हमारा, दो टाइप के टूल है हमारे पास, सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन जिसको हम लोग सीक्रेट की एनक्रिप्शन के बारे में भी जानते हैं, ठीक है, उससे भी जानते हैं, और दूसरा क्या है हमारे पास, पब्लिक की एनक्रिप्शन जिसको हम लोग एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन या फिर क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनक्रिप्शन यूज हो रहा है, ठीक है, एनक्रिप्शन जब भी यूज करते हैं तो वो प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट करता है साइफर टेक्स्ट में, ठीक है, और यहाँ पे सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की का यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर यू नीड टू नो सम फैक्ट्स अबाउट हिस्टोरिकल क्रिप्टो सिस्टम। ऑल ऑफ दीज सिस्टम आर बेस्ड ऑन सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन स्कीम, ठीक है। द ओनली सिक्योरिटी सर्विस दीज सिस्टम प्रोवाइड्स इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम होते हैं वो सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन का यूज करते हैं, और जो सिक्योरिटी सर्विस यहाँ पे मिलती है, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी किसकी मिलेगी, किसी भी इन्फॉर्मेशन की मिलेगी क्योंकि कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो कहीं पे भी शेयर नहीं होगा, चोरी नहीं होगा, मैनिपुलेशन उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स हम लोगों को मिल जाते हैं। अनलाइक मॉडर्न सिस्टम विच आर डिजिटल एंड ट्रीट डेटा एज बाइनरी नंबर्स, द अर्लियर सिस्टम वर्क्स ऑन अल्फाबेट एज बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। पहले के सिस्टम्स में क्या होता था कि जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होते थे वो बेसिक अल्फाबेट्स वगैरह में ही होते थे, लेकिन आजकल के डिजिटल सिस्टम्स में क्या हो गए, सब चीज बाइनरी में ही होता है, ठीक है। जितने भी डेटा होते हैं सबके सब बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी डेटा से ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ट्रेवल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइफर्स यूज होते थे पहले, ठीक है, उसको यहाँ पे बोलते थे ट्रेडिशनल साइफर्स। कौन सा साइफर बोलते थे, ट्रेडिशनल साइफर्स बोला जाता था इसको, ठीक है। ये पुराने जमाने में यूज किया जाता था जब अल्फाबेट्स वगैरह यूज किए जाते थे और पुराने सिस्टम्स होते थे जहाँ पे उतना ज्यादा डिजिटल वहाँ पे डेटा यूज नहीं किया जाता था, उस केस पे जो भी वह एनक्रिप्शन स्कीम यूज होता था वो सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन स्कीम यूज होता था, और वहां से प्लेन टेक्स्ट से जनरेट किया जाता था साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो वहां पे जो साइफर्स होते थे, मींस जो साइफर टेक्स्ट होते थे, साइफर टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो साइफर्स होते थे वो ट्रेडिशनल साइफर्स होते थे, ठीक है। सीजर साइफर, इट इज ए मोनो अल्फाबेटिक साइफर वेयर इन ईच लेटर ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर लेटर टू फॉर्म द साइफर टेक्स्ट, ठीक है। ये एक प्रकार का मोनो अल्फाबेटिक साइफर था, ठीक है, जहां पे हर एक लेटर प्लेन टेक्स्ट का सब्स्टिट्यूट किया जाता था दूसरे लेटर से, ठीक है। क्यों सब्स्टिट्यूट किया जाता था, ताकि साइफर टेक्स्ट जनरेट कर पाए, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर स्कीम, ठीक है। यहाँ पे जो सीजर साइफर था वो एक स्कीम के तहत बनाया गया, जिसमें हम लोग हर एक लेटर दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट करते थे। मीन्स हम लोग मान के चलिए ए है, ए को हम लोग सब्स्टिट्यूट किए एक्स से, ठीक है, मतलब ए को अब हम लोग साइफर टेक्स्ट में किससे जानेंगे, एक्स से जानेंगे, ठीक है, मतलब चेंज कर दिए। तो ऐसे ही हर एक लेटर को चेंज कर दिया जाता था, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म था कि हम लोग यहाँ पे जो कोडिंग कोडिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, साइफर टेक्स्ट के लिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है।
दिस क्रिप्टो सिस्टम इज जनरली रिफर टू एज स्विफ्ट साइफर. द कॉन्सेप्ट इज टू रिप्लेस ईच अल्फाबेट बाई अनदर अल्फाबेट विच इज शिफ्टेड बाई सम फिक्स नंबर बिटवीन 0 to 25. ठीक है, यहाँ पे जो अल्फाबेट होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, मीन्स एक अल्फाबेट चेंज हो जाता है दूसरे अल्फाबेट में. ठीक है, मीन्स जैसे मान के चलिए ए को हमने चेंज कर दिया एक्स में. ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते थे, मतलब एक फिक्स रहता था. मतलब मान के चलिए कि ए को एक्स से शिफ्ट करना है, बी को वाई से शिफ्ट मतलब चेंज करना है, ठीक है, सी को जेड से, इस प्रकार से वहां पे फिक्स होता था. ठीक है, 0 से 25 के बीच में फिक्स कर दिया जाता था कि इतने के बाद वो शिफ्ट होते जाएगा. ठीक है, फॉर दिस टाइप ऑफ स्कीम बोथ सेंडर एंड रिसीवर एग्री ऑन ए सीक्रेट शिफ्ट नंबर फॉर शिफ्टिंग द अल्फाबेट. ठीक है, वहां पे जो स्कीम में बोथ सेंडर एंड रिसीवर जो होते थे वो एग्री रहते थे और वहां पे शेयर किए जाते थे सीक्रेट शिफ्ट नंबर, मतलब कितना अल्फाबेट के बाद वो शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, दिस नंबर विच इज बिटवीन 0 to 25 बिकम्स द की ऑफ एनक्रिप्शन. ठीक है, तो जो भी जैसे मान के चलिए रिपीट जो हो रहा है या फिर जो चेंज हो रहा है वो मान के चलिए 14 अल्फाबेट के बाद जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, तो 14 क्या रहेगा उनका, वो सीक्रेट शिफ्ट नंबर होगा. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस हम लोग देखते हैं कैसे होता है प्रोसेस. द नेम सीजर साइफर इज ओकेशनली यूज टू डिस्क्राइब द शिफ्ट साइफर व्हेन द शिफ्ट ऑफ 3 इज यूज्ड. ठीक है, शिफ्ट ऑफ 3 जब यूज किया गया था तब हम लोग उसका नाम रखे थे सीजर साइफर. ठीक है, अब इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं. प्रोसेस ऑफ शिफ्ट साइफर या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सीजर साइफर. ठीक है, इन ऑर्डर टू एनक्रिप्ट ए प्लेन टेक्स्ट लेटर द सेंडर पोजिशन द स्लाइडिंग रूलर अंडरनीथ द फर्स्ट सेट ऑफ प्लेन टेक्स्ट लेटर्स एंड स्लाइड्स इट टू लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ द सीक्रेट शिफ्ट. ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलिए इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं. यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, और यहाँ साइफर टेक्स्ट है. प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है जेड तक. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे साइफर टेक्स्ट में है, सबसे पहले तो इसको कैपिटल कर दिया गया. ठीक है, उसके बाद में इसको शिफ्ट किया गया. शिफ्ट कहाँ किया गया है, कैसे शिफ्ट किया गया है, अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी तो स्टार्टिंग से ही है. ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट किया है डी से. साइफर टेक्स्ट में ए की वैल्यू क्या होगी, डी होगी. बी की वैल्यू क्या होगी, ई होगी. सी की वैल्यू क्या होगी, एफ होगी. मीन्स यहाँ पे 0 से लेके 3 में शिफ्ट कर दिया गया, मतलब शिफ्ट ऑफ 3 किया गया यहाँ पे. ठीक है, 0, 1, 2, 3. ठीक है, तो 3 से स्टार्ट किया. शिफ्ट ऑफ 3 यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे 3 लेटर्स को छोड़ के चौथे से स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, तो शिफ्ट ऑफ 3 क्या है यहाँ पे हमारा, सीक्रेट शिफ्ट नंबर है. ठीक है, सीक्रेट शिफ्ट नंबर है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन जो होगा वो हमारा फर्स्ट लेटर होगा. ठीक है, और ये एबीसी कहाँ गया, लास्ट में आ गया, यहाँ पे जेड के बाद में यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे पूरी सीरीज जो है वो शिफ्ट हो गई है. मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डी से हो रहा है, जो एबीसी था वो लास्ट में शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है, सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है. ठीक है, शिफ्ट ऑफ 3 यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जिससे हम लोग इस टाइप का एक सीरीज जनरेट करते हैं और यहाँ पे हर एक लेटर के लिए यहाँ पे एनकोड कर देते, कोडिंग कर देते हैं यहाँ पे. ठीक है, इसी को बोलते हैं सीजर साइफर. द प्लेन टेक्स्ट लेटर इज देन एनक्रिप्टेड टू द साइफर टेक्स्ट लेटर ऑन द स्लाइडिंग रूलर अंडरनीथ. ठीक है, इसको हम लोग स्लाइडिंग रूलर भी बोल सकते हैं. द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज डेप्रिसिएटेड In the following illustration, for agreed shift of 3 positions, in this case, the plain text tutorial, okay, is encrypted to the ciphertext WXW RULT.
डी ओ, ठीक है, अगर ट्यूटोरियल है, ठीक है, तो टी टी को क्या बोलेंगे, डब्लू बोलेंगे, ठीक है, टी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डब्लू बोल रहे हैं, ठीक है, देखते जाते हैं हम लोग एक एक करके, ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूटोरियल का टी क्या है, मीन्स ये, ठीक है, डब्लू, ठीक है, यू क्या है, यू एक्स है, ठीक है, तो डब्ल्यू एक्स हो गया, फिर उस पर टी, फिर से डब्ल्यू आ गया, ठीक है, फिर ओ, ओ क्या है, आर में चेंज हुआ, ठीक है, फिर आ गया आर, ठीक है, आर, आर कहाँ चेंज हो गया, यू में चेंज हो गया, तो आ गया यू, ठीक है, फिर उसके बाद ए, ए किस में चेंज हो गया है, डी में चेंज हो गया, ठीक है, तो ये आ गया डी, फिर एल किस में चेंज हो गया, एल है ओ में चेंज हो गया, तो आ गया ओ, तो इस प्रकार से साइफर टेक्स्ट जनरेट हो गया, ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म होता है सीजर साइफर, शिफ्ट ऑफ थ्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए जाते हैं, और हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी हम लोग कर सकते हैं, प्लस में भी हम लोग कर सकते हैं, माइनस में करोगे तो क्या होगा कि एक्स वाई जेड फ्रंट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, नीचे हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो, ऑन रिसीविंग द साइफर टेक्स्ट द रिसीवर हु ऑल्सो नोज द सीक्रेट शिफ्ट पोजिशन his sliding ruler underneath the ciphertext alphabet and slides it to right by agreed shift number 3 in the ठीक है shift of 3 यहाँ पे use करें इस केस में ठीक है he then replaces the ciphertext letter by the plain text letter on the sliding ruler underneath hence the ciphertext WXWRU LDO जो हमारा साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है ये डिक्रिप्ट टू ट्यूटोरियल वापस से ट्यूटोरियल में कैसे डिक्रिप्ट होगा माइनस थ्री यूज करेंगे मतलब एनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे थ्री यूज किया गया डिक्रिप्ट करने के लिए माइनस थ्री यूज किया जाएगा तो माइनस थ्री यूज करने से क्या होगा जो लास्ट में था यहाँ पे मतलब एक्स वाई जेड ठीक है वो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी मतलब ये जस्ट इसका उल्टा ठीक है एक्स वाई जेड स्टार्टिंग में आएगा फिर उसके बाद ए बी सी डी से स्टार्ट होगा ठीक है तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ माइनस थ्री से यूज किया जाता है शिफ्ट ऑफ माइनस थ्री मतलब क्या होगा लास्ट के तीन जो अल्फाबेट होंगे ठीक है वो पहले आ जाएगा फिर उसके बाद जो हम लोग की सीरीज स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट होगा तो ये इस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ठीक है ए के लिए एक्स है बी के लिए वाई है सी के लिए जेड है ठीक है तो इस प्रकार से क्या होगा हमारा वापस से जो साइफर टेक्स्ट से जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे सीजर साइफर का यूज करते हैं वहां पे प्लस थ्री माइनस थ्री का शिफ्ट होता है जिस प्लस थ्री करते हैं हम लोग एनक्रिप्ट करने के लिए माइनस थ्री करते हैं हम लोग डिक्रिप्ट करने के लिए It is an improvement to the Caesar cipher instead of shifting the alphabet by some number. This scheme uses some permutation of the letters in alphabet. ठीक है यहाँ पे permutation का use किया गया था सभी लोग जानते होंगे सर आले 916 ठीक है यहाँ पे छोटा सा प्रोसेस है राइट द अल्फाबेट ए बी सी जेड इन द नेचुरल ऑर्डर ठीक है जैसा है वैसे ही हम लोग लिखेंगे द सेंडर एंड रिसीवर डिसाइड्स ऑन अ रैंडमली सिलेक्टेड परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट ठीक है सेंडर और रिसीवर जो है डिसाइड कर लेंगे जो भी एक रैंडम सिलेक्टेड परमुटेशन होगा ठीक है वो सिलेक्ट कर लेंगे Underneath the natural order alphabet, write out the chosen permutation of the letters of the alphabet. ठीक है? For encryption, the sender replaces each plain text letter by substituting the permutation letter that is directly beneath in the table. This process is shown. ठीक है? यहाँ पे एक डायग्राम है यहाँ पे शो किया गया
चूजन परमुटेशन इज के डी जी ओ, मतलब ये सीरीज है, ठीक है, एक फॉर्म वहां पे क्या बनाया गया, कॉम्बिनेशन बनाया गया, ठीक है, पूरा रैंडम है। यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ऊपर प्लेन टेक्स्ट है जो ए बी सी डी एफ जी एच पूरा जो नॉर्मल सीक्वेंस रहता है वैसे ही सीक्वेंस है। देन इसके बाद यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट अल्फाबेट है तो के डी जी एफ एन कुछ एक रैंडम परमुटेशन यहाँ पे बनाया गया, ठीक है, मतलब पूरा जंबल कर दिया गया। ऑन रिसीविंग द साइफर टेक्स्ट द रिसीवर हु ऑल्सो नोज द रैंडमली चूजन परमुटेशन रिप्लेसेस ईच साइफर टेक्स्ट लेटर ऑन द बॉटम रो विद द करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट लेटर इन द टॉप रो। ठीक है, जो भी साइफर टेक्स्ट जनरेट हुआ है रिसीवर क्या करेगा, वो ऑलरेडी जानता है जो रैंडमली चूजन परमुटेशन है यहाँ पे, वो पहले से जानता है, वो क्या करेगा साइफर टेक्स्ट लेटर को रिप्लेस करेगा प्लेन टेक्स्ट लेटर से, तो उसको ऑटोमेटिकली जो ओरिजिनल मैसेज है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी वैल्यू क्या है इसकी, सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर इज ए कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट ओवर द सीजर साइफर। ठीक है, मतलब काफी हद तक सीजर साइफर से बहुत अच्छा है क्योंकि पॉसिबल नंबर ऑफ कीज हम लोग को बहुत ज्यादा मिल जा रहा है, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 26 में मिल रहा है हम लोग को, मीन्स 26 रैंडम एक सीरीज मिल रहा है हम लोग को। यहाँ पे हम लोग शिफ्ट तो कर ही सकते हैं, साथ में हम लोग को 26 रैंडम परमुटेशन भी वहाँ पे हम लोग को मिल जा रहे हैं। एंड इवन द मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम आर नॉट येट पावरफुल इनफ टू कम्फर्टेबली लॉन्च ए ब्रूट फोर्स अटैक टू ब्रेक द सिस्टम। ठीक है, मतलब जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम जो होता है अभी तक ऐसे इतना पावरफुल नहीं है जो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर यूज किया गया एक सिंपल सा डिजाइन है और काफी अच्छा वर्क करता है। ठीक है, जो क्रिप्टो सिस्टम है जो हमारा क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे यूज किया वो काफी हद तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तो भी अटैकर्स जो होते हैं अगर उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन रूल यूज किया जा रहा है तो इजीली उसको क्रैक करेगा, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। ठीक है, लेकिन सीजर साइफर से काफी हद तक ही सिक्योर है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि परमुटेशन यूज किया जाता है, 26 लेटर्स है तो फैक्टोरियल ऑफ 26 यूज किया जाएगा और एक परमुटेशन बनाया जाएगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया जाता है।